आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15A का हमें फिफ्थ क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 1 से 4 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें हमें फिफ्थ क्वेश्चन से सॉल्व करना है। बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखिए, ये हमें दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर द होम फॉर द एज्ड। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 100, 200, 200 से 300। इस तरीके से हमारी क्लासेस है। और ये हमें क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड सर्टेन अमाउंट। स्कूल स्टूडेंट से क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, और ये सब रुपीज में है। समझ में आ रहा है ना, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। तो टेबल बना लेते हैं हम। ये हो गया, यहां पर लिखेंगे क्लासेस, ये हो जाएगा टैली मार्क्स, ये है क्लास, ये यहां पर हो गया टैली मार्क, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या करना है, यहाँ पर दिया है 100 से 200, 200 से 300। हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, उसी तरीके से कर लेना है। 100 से 200, 200 से 300, इस तरीके से लिखना है। 300 से 400, 400 से 500, कहाँ तक है लास्ट, 6 भी है, 7 भी है। 500 से 600, 600 से 700, और 700 से 800। 800 के ऊपर कोई है, नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्लास हो गई, ये हो गया। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। 100 से 200 के बीच में कितना है, ये हमें लिखना है। कितना है 100 से 200 के बीच में, 1, 1, सिर्फ एक है। 100 से 200 के बीच में सिर्फ एक बच्चे ने दिया है 190 रुपीस। अब 200 से 30 के बीच में देखेंगे, ये रुपीस में है सब। 200 से 30 कितने हैं, 1, 2, सिर्फ 2 है, ये हो गया। अब देखना है 300 से 400 के बीच में, 300 से 400, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 है, ये हो गया। अब हमें 400 से 500 के बीच में देखना है, 400 से 500, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 से 500 के बीच में, यहाँ 300 से 400 के बीच में, तो ये जो पहला वाला है ना, ये 200, 100, ये, यानी जब इसको हम देखेंगे इस क्लास को, तो इसमें 400 इंक्लूडेड है, लेकिन ये 500 इसमें इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं है। ये 500 किस में होगा, नेक्स्ट वाली क्लास में, यानी 500 से 600 के बीच में। समझ में आया। अब ये लास्ट वाला जो है हमारा 500 से 600 के बीच में, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, इसको लिख लेंगे। और फिर है हमारा 600 से 700 के बीच में, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी हो गया। लास्ट में हमारा 700 से 800 के बीच में, 700 से 800, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब इस फ्रीक्वेंसी को देखकर हमें टैली मार्क्स बनाना है। यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया, 2 है, 1 और 2, 4 है, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट है हमारा 6, यहाँ क्या करेंगे,
वन टू थ्री फोर, उसके बाद फाइव ऐसे बनता है और ये सिक्स हो गया। अब सेवन बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नेक्स्ट है हमारा फोर, वन टू थ्री फोर, ये हमारा टैली मार्क्स बन गया, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, कितना आना चाहिए? अच्छा, ये जो यहाँ दिया हुआ है ना कलेक्टेड अमाउंट, इन सब को ऐड कर लीजिए, उतनी ही ये फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। इसको ऐड करेंगे, इसको पहले काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू। यानी ये कलेक्टेड अमाउंट जो है 32 स्टूडेंट ने दिया है, 32 स्टूडेंट ने दिया है। इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, अगर ये आया तो ये हमारी टेबल सही है। ऐड करते हैं, 4 टू 6 12 13 7 7 14 और ये 4 4 4 8 9 10 11 31 आ गया, यानी एक गलत हो गया कोई। 700 से 800 कितना है? 7 से 8 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर 5 है, अब इसको काउंट करेंगे, और यहाँ पर 5 है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी ऐसे 5 बन जाएगी। अब इसको काउंट करेंगे तो हमारा 32 आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी हो गए 32, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर है द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट फॉर वन मंथ ऑफ 36 हाउसेस इन अ कॉलोनी आर गिवेन बिलो। यहाँ पर एक कॉलोनी में 36 हाउसेस हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया गया है वो यूनिट में गिवेन है। हर घर में, जैसे एक घर में 63 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई है, 63 यूनिट ये लिखा हुआ है। इसको क्या करना है हमें, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसे अरेंज करना है। यहाँ पर क्लासेस गिवन है 50 से 60, 60 से 70, इस टाइप में हमें करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम बनाते हैं टेबल, टेबल बनाएंगे, फिर वहाँ पर होगा हमारा क्लासेस टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा। यहाँ पर है हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टैली मार्क्स, और ये क्या है हमारा क्लास, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें गिवन है 50 से 60 के बीच में, ये लिखेंगे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब देखें यहाँ पर 100 के ऊपर भी है, तो 100 से 110, 110 से 120, देखिए 120 के ऊपर है, अभी भी है, यहाँ लिखेंगे 120 से 130, 130 के ऊपर नहीं है। अब देखिए ये बन गया हमारा, अब एक चीज बता दें यहां पर, जैसे ये हमारी क्लास लिख गई, अब अगर मान लीजिए 60 यूनिट आ गया, तो कहां पर लिखेंगे, इस वाले के सामने ऐड करेंगे इस वाले में, या इस वाले में, किसमें करेंगे, इस वाले में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पहला वाला जो लिखा रहता है ना 60, यानी इस वाली क्लास में 60 इंक्लूडेड है, इसलिए अगर 60 है तो इस वाले में लिखेंगे, ना कि इसमें, इसमें नहीं लिखना है। समझ में आया ये चीज? जैसे मान लीजिए 90 है, तो किस क्लास में लिखेंगे, इस वाले में या इस वाले में, इस वाले में। समझ में आया? अब हम देखते हैं 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच में कितने हैं,
वन सिर्फ एक है, ये हो गया। उसके बाद 60 से 70 के बीच में वन टू थ्री, सिर्फ थ्री है, ये हो गया। उसके बाद 70 से 80 के बीच, 70 से यानी वन टू थ्री फोर, फोर है। उसके बाद है 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया। अब है 90 से 30, 90 से 30 सॉरी 90 से 100 है, वन टू थ्री, थ्री है। फिर 100 से 110, 100 से 110, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 110 से 120 तक, 10 से 20, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फिर है हमारा 120 से 30, 120 से 30 है। यहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव, सिर्फ फाइव। अब क्या करें, पहले ही हम चेक कर लेते हैं, ऐड करें कितना आए, 36, फोर एट एट सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर सेवन और फाइव यानी ट्वेल्व, सिक्स थर्टी सिक्स, सही है। अब क्या करना है, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे, कितना है टोटल, 36 है, और यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है, यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल सही है। अब क्या करना है टैली मार्क्स में, वन है वन, थ्री है तो वन टू थ्री, फोर है वन टू थ्री फोर, फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री है वन टू थ्री, फिर एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। यहाँ पर सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारी टेबल बन गई। और हमारा आंसर भी सही है क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी 36 आ रही है और यहाँ पर भी 36 लिखा हुआ है। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। ये हमारा सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।